Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Today I'm gonna share my experience on this Be Minimalist ka SPF 60 plus Silly Marine sunscreen. This has SPF of 60 plus and PA 4 plus. So I'm gonna share my experience with the light demo, of course, as usual. So if you're interested, then please keep on watching. First of all, it comes in this sleek pump packaging, exactly same जो इनकी multivitamin वाली sunscreen थी उसके जैसे ही packaging है. Consistency भी kind of a similar है, बहुत ज़्यादा difference नहीं है. हल्का सा yellowish tint है इसमें, बहुत easily absorb हो जाती है skin में, doesn't irritate your eyes, but अगर eyes में चली जाती है then definitely आपकी eyes में sting करेगी. इसके ingredients की बात करें, so this has on the top few of the UVA and UVB filters including this Tinosorb S, UV Null A+, UV Null T150 and titanium dioxide. And apart from that, it has a lot of humectants including some glycols, some good alcohols and sodium hyaluronate. This do have allantoin as well, which is very very soothing and calming. And one more ingredient this has is this Cilia Marine Marianum fruit extract, which is a great antioxidant and it helps in reducing the free radical damage by the sun rays, and of course it protect you from UVA and UVB rays. Ingredient list is pretty fine. I have no issue with the ingredient list. It's a fragrance free sunscreen, which is very rare to find. But the only con in this one is exactly same जो इसकी multivitamin वाली sunscreen में issue था, वही issue इसके अंदर भी है. ये भी peel off होना शुरू हो जाती है अगर आपने नीचे काफी अच्छी hydrating moisturizing layer अपने moisturizer का लगाया है, एंड ऑन द टॉप अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो ये पील ऑफ हो जाती है कुछ टाइम के बाद. सो इन दैट केस क्या होता है कि आपको री एप्लीकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो जो ऑलरेडी आपने अप्लाई किया है वो पील ऑफ होना शुरू हो जाता है. सो दैट्स अ कॉन ऑफ दिस सनस्क्रीन. वाइटामिन वाली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि आप लोगों का भी वो सनस्क्रीन पील ऑफ होता है. सो आई थिंक ये दोनों सनस्क्रीन में यही एक इशू है कि अगर आप नीचे एक हाइड्रेटिंग लेयर लगाते हो अपने मॉइस्चराइजर सेरम एंड ऑल, लाइक काफ़ी अच्छी लेयर्स आपकी नीचे लगी हुई है, 3-4 लेयर, तो उसके अगर ऊपर आप ये सनस्क्रीन लगाओगे तो ये डेफिनेटली पील ऑफ होंगी. सो इफ यू डोंट लाइक दैट पीलिंग वाला थिंग, तो यू कैन अवॉइड दीज. बट आई थिंक इफ यू आर अ पर्सन यू नो जो इंडोर्स रहते हैं और जिनको बार बार री एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है सनस्क्रीन की, बिकॉज आई एम अ पर्सन यू नो जो मोस्टली अंदर रहती है, लाइक हमारे यहाँ पे सिर्फ ये जो एरिया है, लाइक यहाँ पे फ्रंट में हमारे सामने मेरी खिड़की है, इधर दरवाज़ा है, तो यहाँ से सन रेज आ रही हैं, तो यहाँ पे हम बहुत कम निकलते हैं. बट ऑफकोर्स अभी विंटर्स आ गई हैं, तो अभी ऑफकोर्स हम बाहर भी धूप में बैठते हैं. सो उस केस में मुझे रीअप्लाई करनी पड़ती है, बट अदरवाइज यू नो मैं जर्नली अंदर ही रहती हूँ तो ज़्यादा सन एक्सपोजर मेरा नहीं होता है. सो इन दैट केस एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु आर यू नो लिविंग इन अ काइंड ऑफ अ स्पेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा सन रेज नहीं आती हैं, एक रिसेंटली किसी ने मेरे से पूछा था कि यू नो अगर हम ऐसे घर में रहते हैं जो एक इट्स अ काइंड ऑफ अ केव, तो वहाँ पे यू नो सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत है या नहीं. सो आई वुड से इफ़ यू यूजिंग एनी एक्टिव्स और कुछ भी इस तरह की आप चीज़ यूज़ कर रहे हो, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर स्किन, एंड उसके लिए ऑफ कोर्स यू नीड टू अप्लाई SPF इवन इफ यू आर इनडोर्स. बट यू कैन यू नो स्किप दैट री अप्लाइंग वाला इशू इफ यू आर नॉट एक्सपोज टू सन, सो दैट आई कैन से. सो इन दैट केस दिस गोना बी सफिशेंट फॉर यू आई थिंक. अगर आपको रीएप्लीकेशन वाला नहीं है, रीएप्लीकेशन आपको नहीं करनी है सनस्क्रीन की, देन वन टाइम यूज के लिए दिस वन इज गुड, यू कैन गो फॉर दिस वन, बट कीप दैट थिंग इन माइंड कि ये पील ऑफ होती है. सो या जस्ट दैट, रेस्ट इट्स परफेक्ट. Yeah guys, that was it. I hope you found this video helpful. If you do, don't forget to give this one a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and follow me on Instagram. I will see you in my next videos guys. Until then, take care and stay beautiful. Bye bye.